टाइमिंग में इधर उधर होता रहता है, ठीक है। तो जितनी बिहार की सरकार ने बदलती उतनी यार क्लास के शेड्यूल की टाइमिंग हो जाती है चेंज, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, है ना। बढ़िया, ठीक है यार। तो यार दो चीजें डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। पेपर आप लोगों का पास है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पूरी की पूरी मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। पूरी की मैकेनिक्स में कौन कौन से फॉर्मूले जो मैं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी कुछ कुछ विद्यार्थी हैं यार जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि पूरी की पूरी मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है तो हमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें चेक करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या क्या चीजें हैं जिसपे हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है यार। तो पहली की पहली जो अभी हम शुरू से लेके अंत तक यार डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे यार, वो एज अ वन शॉट जाएगी आपके, ठीक है, आपके पास, ठीक है, ताकि आप सारे के सारे रेफर कर सको, ठीक है, कि क्या हमें पढ़ना है पूरी की पूरी मैकेनिक्स में, ठीक है। उसके बाद भी यार आपको अगर लगता है यार कि टॉपिक वाइज या कंसेप्ट वाइज कोई ऐसा कंसेप्ट है जो मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मुझे बताना, उसको हम एक बार ब्रीफ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा सेशन है जिसमें हमने जो भी पढ़े हैं 8 चैप्टर 9 चैप्टर, ठीक है, उसको पूरा एक बार ब्रीफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ है जिसमें मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें हैं जो मैं खुद से लिखूंगा अभी, ठीक है। तो ट्राई करेंगे यार हम सारी चीजें खत्म करने की, ठीक है। किसी पॉइंट पे कुछ भी डाउट होता है तो आप देखना, ठीक है। लेटर ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें भी अगर कुछ डाउट होता है तो फिर भी आप पूछना यार, ठीक है। तो शुरू करते हैं। थैंक यू यार आपने ज्वाइन किया इतने शॉर्ट नोटिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। बढ़िया जी यार, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है यार। तो हमने जब शुरू करी मैकेनिक्स, ठीक है, तो हमने पूरे का पूरा जो टॉपिक है उसको डिफाइन करा, ठीक है। हमने शुरू करा किससे यार, इंट्रोडक्शन से, फिर हमने शुरू किया लॉ ऑफ फोर्स से, फिर हमने डिस्कस किया मोमेंट फ्रिक्शन के बाद हमने डिस्कस किया लॉज ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशंस, उसके बाद हमने और डिस्कस किया सिंपल लिफ्टिंग मशीन सेंटर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ ऐसे टॉपिक जो लगते हैं यार पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो यार वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे में, ठीक है। तो तेज करूंगा सारा का सारा सेशन, ठीक है। आप लोगों के पास सारे नोट्स हैं, ठीक है। यार जब बात करता हूँ मैं किसकी इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो मैं बात करूंगा किसकी, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन की, तो हमने पढ़ा सबसे पहले मेरे पास रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स था, ठीक है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यार, कि मेरे पास डिफरेंट फोर्सेस थे, उसको मुझे एक्स कहलाऊंगा और वाई कहलाऊंगा रिजॉल्व करना था, ठीक है। तो हमने पूरे के पूरे चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है यार कि मेरे आपके पास कोई भी फोर्स है, ठीक है, वो किसी बॉडी पे लग रही है, ठीक है, तो मेरा कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कहलाऊंगा और मेरा कंपोनेंट क्या होगा, वाई कहलाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास थीटा है, तो हाउ वी आर एबल टू रिजॉल्व नंबर ऑफ फोर्सेस विद डिफरेंट कन्वेंशंस, ठीक है। तो यार ये मेरे पास होगा पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, ये मेरे पास होगा पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसके अलावा यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यार, कि मेरे पास कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, जैसे यार मेरे पास स्केलर हो गया, मेरे पास दोस्तों वेक्टर हो गया, और मेरे पास दोस्तों टेंसर हो गया, ठीक है। कभी कभार आपके पेपर में क्या होता है कि इन सभी एग्जांपल के बेस पे, मतलब इन सारी क्वांटिटीज के बेस पे बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स एंड टेंसर, ठीक है। सो काइंडली रिमेंबर ऑल दोस फॉर्मुला, ठीक है। उसमें भी यार टेंसर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर देखें, तो टेंसर में आपकी क्वांटिटी होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो टेंसर इज वन ऑफ द क्वांटिटी दैट यू नीड टू रेफर, ठीक है। यार सेकंड चैप्टर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, वो है मेरे पास लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है यार। तो लॉ ऑफ फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स का मतलब क्या सर, सबसे पहले मुझे स्टडी करनी होती है फोर्स के बारे में, ठीक है। तो जो भी हम स्टडी करते हैं, किसी स्टडी करते हैं फोर्स की स्टडी, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर था उसमें क्या था, लॉ ऑफ फोर्स था, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्स इज बेसिकली, ठीक है, द एक्सटर्नल एजेंट ऑफ द बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक ऐसा स्टेट है जिससे क्या हुआ, बॉडी की जो स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब मेरी बॉडी अगर रेस्ट में है और मेरी बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है। तो कैसा भी एक एजेंट हो जो इस बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे, दैट इज डिफाइंड एज फोर्स, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा, ठीक है। इसकी आपको यूनिट पता होनी चाहिए, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी, और ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद कुछ फोर्सेस होते हैं जिसे हम कहते हैं, हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में भी आया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, ठीक है। यार मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे मेरे पास एक थ्योरम निकल के आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यार, मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक फोर्स का मतलब क्या है, कि मेरे पास अगर मेरे पास फोर्स है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा,
ठीक है, उसके पास सेंस होगा, उसके पास लाइन ऑफ एक्शन होगा, और उसके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये पांच चीजें होंगी और इन सभी डायग्राम को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेस डायग्राम। ठीक है, तो आपके पेपर में आया हुआ सवाल भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस डायग्राम। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ फोर्स में इसके बाद हमने क्या देखा यार, लॉ ऑफ फोर्स हमने देखा तीन जो फोर्सेस थे, तो हमने पढ़े पहला था मेरे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, फिर मैंने देखा ट्रायंगल लॉ, फिर मैंने देखा पॉलीगन्स लॉ। ठीक है, एक बार फटाफट देख लेते क्या होता है वो सारी चीजें। ठीक है, इसके पहले यार आप लोगों को सारे जो फोर्सेस है पता होगा यार, मेरे पास कोप्लेनर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कॉन्करेंट क्या होता है। ठीक है, सो कोलिनियर हो गया, कोप्लेनर हो गया, कॉन्करेंट हो गया। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन से पास हो, कॉन्करेंट जो एक पॉइंट पे लगे, कोप्लेनर मतलब ठीक है जो एक प्लेन पे हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है होता है कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब जो एक प्लेन पे हो, और नॉन कोप्लेनर जो मल्टीपल प्लेन्स पे हो। ठीक है यार, वहां से मैंने तीन जो थे वो देख लिया। ठीक है, पहला देखा कोलिनियर जो एक लाइन पे हो, फिर देखा कॉन्करेंट जो एक पॉइंट पे हो, फिर देखा पैरेलल और नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, वो सारी चीजें भी हमने देख ली। ठीक है यार, तो यार ये पूरा एक जिस्ट होता है पूरा। ठीक है, ये मेरे पास होती है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, ये होती है मेरे पास कोप्लेनर लाइक फोर्सेस, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, बढ़िया। फिर यार मैं छोटी सी थ्योरम देखी जिसका नाम होता है पैरेललोग्राम थ्योरम। ठीक है, पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहता है कि मेरे पास कोई भी दो फोर्स है उसको रिजोल्व करने के लिए मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है कि मेरे पास दो फोर्स इस तरह से लगे कि वो पैरेललोग्राम की शेप दे दे। ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा उसका डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसके पास मेरे पास एक फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू में, ठीक है, एफ वन का होल स्क्वायर प्लस में एफ टू का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ f1 f2 cos थीटा। ठीक है, अगर ये आप लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर मेरे पास ये निकल के आता है tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, दैट इज f2 sin थीटा अपॉन में f1 प्लस में f2 cos थीटा। ठीक है, तो आपको यार ये जो चीजें हैं वो ध्यान रखनी है पूरे के पूरे थ्योरम से। ठीक है, मेनली आपको इसमें रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे आप इन दोनों फॉर्मूले से, ये होगा उसका रिजल्टेंट और ये होगा उसका एंगल। ठीक है, मुझे पता है कि यार मेरे पास कोई भी रिजल्टेंट होगा तो उसके पास एक एंगल होगा कि जो मेरा जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा या डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं इससे, डायरेक्शन निकालते हैं इससे। ठीक है, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम, हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करे, आपको ध्यान रखना है कि यार अगर मैं लॉ ऑफ फोर्स कर रहा हूँ तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेरे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर यार मेरे पास था ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ यार साइन रूल पे बेस्ड होता है। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन साइन रूल, जो कहता है यार कि आपका जो एंगल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अ पर्टिकुलर साइड। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए है तो मेरे पास ए साइड किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके सामने जो एंगल है। ठीक है, ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी। ठीक है, तो यार ये था मेरे पास ट्रायंगल लॉ। सेम इसके बेस पे मेरे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल लॉ का रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है यार कि अगर मेरे पास दोस्तों दो फोर्सेस है, ये मेरे पास F1 है और ये मेरे पास F2 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एंड दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और उसका जो एंगल होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, इससे मैंने रिजोल्व करके मैंने क्या किया, मैंने F1 इज इक्वल टू में F2 is equal to में R, इन तीनों के बीच में क्या कर दिया, एक रिलेशन बिल्ड कर दिया, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ट्राई करना यार कि इन तीनों के बीच में रिश्ता आप निकाल सको। ठीक है, उसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है यार, ये मेरे पास थीटा है, ये क्या हुआ 180 माइनस में थीटा, ये मेरे पास अल्फा है, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे एंगल मिल जाएंगे और आप साइन रूल का बेस विद द हेल्प ऑफ साइन रूल आप इसको यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़िया। लेटर ऑनवर्ड्स यार मैंने क्या देखा यार, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इसका नाम था पॉलीगन्स लॉ। ठीक है, तो पॉलीगन्स लॉ ने क्या कहा यार, मेरे पास एक बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्स लग रही है, एक अगर अभी तक मैं बात करता किसकी, पॉलीगन्स मेरे पास था पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ये दोनों लॉ तब लगते हैं दोस्तों जब मेरे पास कितनी फोर्स होती है, दो फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास जो फोर्सेस है वो क्या हो, दो से ज्यादा हो जाए। ठीक है, मेरे पास तीन फोर्स हो जाए, मेरे पास चार फोर्स हो जाए, मेरे पास दस फोर्स हो जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा रिजल्टेंट, देन वी आर एबल टू कैलकुलेट दी रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन्स लॉ, जो कहता है कि मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, आप किसी फोर्स को एक्स के अलोंग रिजॉल्व कर दो और इस फोर्स को वाई के अलोंग रिजॉल्व कर दो। ठीक है, तो मेरे पास मल्टीपल फोर्स है। ठीक है, मेरे पास ये बॉडी है। ठीक है, इसमें एक फोर्स लग रही है, दो फोर्स लग रही है, तीन फोर्स लग रही है, चार लग रही है, इन सभी फोर्सेस को आपने दो पार्ट से ब्रेक कर दिया, कौन कौन सी, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा दिस। ठीक है,
ये देखा था हमने पॉलीगंस लॉ में, ठीक है, पॉलीगंस लॉ की स्टेटमेंट, और अगर मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा हो तो कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है यार। ये तीन थ्योरम थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके बाद था सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका नाम था लैमिस थ्योरम, ठीक है। जब भी हम लैमिस थ्योरम देखते हैं तो मुझे क्या, मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो अगर आप पेपर का ट्रेंड चेक करोगे तो आप देखोगे यार कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पेपर में आता है। व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि यार मेरी बॉडी किस पे है, मेरी बॉडी रेस्ट पे है। इफ अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर मेरी बॉडी रेस्ट पे है नंबर ऑफ फोर्स लगने के बाद भी, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सो इन द इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, मतलब बॉडी पे जितनी फोर्स लगे उनकी वजह से जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। सो इन दैट स्टेटमेंट यू कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो मेरे पास एक स्टेटमेंट निकल गया जिसे हम कहते हैं लैमिस थ्योरम। वो कहता है यार कि अगर मेरी बॉडी पे, ये मान लो मेरी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे तीन फोर्स लगे, ठीक है। सो सपोज दिस इज योर बॉडी, इस बॉडी पे तीन फोर्स लगी और इस तरह से लग रहे हैं कि इस बॉडी को क्या कर रहा है, इसको मेंटेन करके रख रहा है इक्विलिब्रियम में, तब हम कहते हैं कि जो मेरी ये वाली फोर्स होगी ये प्रोपोर्शनल होगी इसके सामने वाले एंगल की। सो ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी और सी अपॉन में साइन गामा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोगों ने करे होंगे एग्जांपल में, मतलब बहुत सारे असाइनमेंट में, एसाइज में, यार दो मेथड से हम इसे करते हैं, ठीक है। पहला तो यार ये वाला मेथड है कि सर आपने क्या कर दिया, फोर्स को इसके एंगल से रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड एज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व, ठीक है। सेकंड मेथड क्या होता है दोस्तों, सेकंड मेथड होता है यार कि मुझे पता है अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो, और मेरा जो एफ ऑफ वाई क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ठीक है, आप सभी फोर्सेस का एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, आप सभी फोर्सेस का एफ ऑफ वाई निकाल लीजिए, आप उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, यू आर एबल टू गेट कि मेरे पास अननोन फोर्स क्या है, ठीक है। तो यार कोई भी सवाल आया यार कि लैमिस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है, तो लैमिस थ्योरम यूज करते हैं यार कि मैं ऐसी फोर्स निकालूं जिसकी वजह से मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो मेरी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, मैंने क्या किया, एक अननोन फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे जिससे मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। सो व्हाट शुड बी दैट अननोन फोर्स टू मेक द बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट वी आर इंटरेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लैमिस थ्योरम, वो हम निकालते हैं लैमिस थ्योरम से। यार अभी तक के जो दो चैप्टर थे वो बहुत ही आसान थे, आपको कुछ ध्यान नहीं देना था। तो जिस जो विद्यार्थी इसने शुरुआत से पढ़ाई करी या नहीं करी, ठीक है, उसने क्या देखा यार कि मेरे का फर्स्ट चैप्टर तो बहुत आसान था जिसमें इंपॉर्टेंट था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट था पैरेललोग्राम लॉ और लैमिस थ्योरम, ठीक है। उसमें भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो मुझे पता होनी चाहिए कि समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो एंड मूवमेंट एट अ पॉइंट इक्वल टू में जीरो, दीज थ्री कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है जी, बढ़िया, शाबाश यार, ठीक है। दैट्स ऑल यार फ्रॉम चैप्टर टू। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, फटाफट देखते हैं यार मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो यार मूवमेंट को पता है, मूवमेंट में कुछ क्वेश्चन भी फ्रेम हुए हैं, ठीक है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं यार व्हाट इज मूवमेंट, ठीक है। सो व्हेनेवर द बॉडी हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज डिफाइंड एज, यार ये मेरे पास क्या है, मैंने इस बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। सो ड्यू टू दैट फोर्स, ठीक है, बॉडी हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ दिस फोर्स इज डिफाइंड एज मूवमेंट, ठीक है। आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उस वजह से बॉडी की टेंडेंसी क्या हुई, रोटेट हो गई, इसको हम कहते हैं मूवमेंट, ठीक है। इसके बारे में कुछ छोटी बात है यार, मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, अगर यार मेरी बॉडी रोटेट कर रही है तो क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर, अगर मेरी बॉडी पे वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है तो मुझे इसका निकालना है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है यार, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बढ़िया। इसमें देखा था यार मेरे पास कि मेरे पास टाइप्स ऑफ फोर्स में हमारे पास कन्वेंशन के क्या मेथड होते हैं, तो मेरे पास होता है यार एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो यार कभी कभी हम लोगों ने सॉल्व किया है मूवमेंट को क्लॉकवाइज और कभी कभी सॉल्व किया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यार मेरे पास ये है फोर्स, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी की टेंडेंसी क्या हो, बॉडी की टेंडेंसी की वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, बॉडी की टेंडेंसी है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, इन दोनों केस में क्या होता है, मूवमेंट निकलता है, ठीक है, मूवमेंट या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। तो आप किसी को भी मार्क कर लो पॉजिटिव और नेगेटिव और आपका मूवमेंट आ जाएगा आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इन दिस मैनर यू आर एबल टू कैलकुलेट, ठीक है, हाउ द मूवमेंट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी, बढ़िया। थोड़ा सा और आगे बढ़े यार, तो मैंने देखा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, पेपर में सवाल आते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अगेन कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से सवाल आते हैं तो क्यों आते हैं,
तो प्रिंसिपल मूवमेंट भी सेम वही चीज है यार, कि मेरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, मुझे एक अननोन फोर्स निकालना है। वो क्या है? वो अननोन फोर्स इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? उस फोर्स की वैल्यू होगी वो अननोन फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है। तो उस अननोन फोर्स को निकालना क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि मेरी बॉडी पे अगर फोर्स लगे और वो क्या कर दे, बॉडी को कर दे इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? आपका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और आपका जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो छोटी सी स्टेटमेंट थी कि इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट मेक्स द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, देन वी कैन से दैट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू मे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में। सेम एक थ्योरम निकल के आती है, वेरिगेंस थ्योरम। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ी देखी भी होगी यार, वेरिगेंस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों चीजें जो होती है वो मिलती है। ठीक है, कि यार प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है और वेरिगेंस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो यार वेरिगेंस थ्योरम में क्या होता है, जब बात करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की तो मेरी बॉडी किसमें होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, जब बात करता हूँ वेरिगेंस थ्योरम की तो मेरी किसमें होती है? बॉडी जो होती है नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मेरी बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिगेंस थ्योरम, मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है और आपका जो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर जब ऐसी चीज है तो हम इसको पढ़ के हो रहे हैं, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कहता है दोस्तों कि आप काम करो, वेरिगेंस थ्योरम कहता है कि आपकी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्स लग रही है, उस सभी फोर्सेस को एक रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? आपका रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ फोर्स थे, उस सभी फोर्सेस को आपने एक रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दिया। बहुत बढ़िया, अब उन सभी फोर्सेस की वजह से एक पॉइंट पर लग रहा होगा मूवमेंट। ठीक है, तो आपने कर दिया मूवमेंट एट पॉइंट, वो कैलकुलेट कर दिया। बहुत बढ़िया, आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, आपके पास मूवमेंट एट पॉइंट ओ है, आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर दिया? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो विद दिस मैनर यू आर एबल टू बेसिकली रिजोल्व ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक सिंपल फोर्स और मूवमेंट में रिप्लेस कर दिया आपने। इसे समझाते हैं वेरिगेंस थ्योरम से। ठीक है, तो वेरिगेंस थ्योरम बहुत ही आसान है यार। ठीक है, वो कहता है कि मेरी बॉडी कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैंने सारी फोर्सेस को रिजल्टेंट में ब्रेक कर लिया, उसका एक मूवमेंट निकाली जिसे कहते हैं रिजल्टेंट मूवमेंट, और यहां से अगर मुझे ये पता है, मुझे ये पता है तो यार मैं डिस्टेंस तो निकाल ही लूंगा, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, बढ़िया, आशा करता हूँ यार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, बढ़िया, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा यार इसमें। ठीक है, तो मेरे पास यार बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आया जिसे हम कहते हैं कपल। ठीक है, तो यार कपल के लिए सिंपल एक डायग्राम है मेरे पास, उसको समझते हैं। ठीक है, तो यार कपल मेरे पास क्या होता है बेसिकली? ठीक है, कपल इज डिफाइंड एज अ इक्वल वैल्यू ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है यार, मेरे पास इस बॉडी फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है ऊपर की तरफ, एक लग रहा है नीचे की तरफ, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एक लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, सो द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विद सेम मैग्नीट्यूड दैट इज डिफाइंड एज कपल। ठीक है, जब इसका आप मूवमेंट निकालते हो सो दैट इज गोइंग टू टॉर्क। ठीक है, जैसे मान लो कि यार कि आप यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ। ठीक है, सो टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर आपकी बॉडी पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है जो बॉडी को ट्विस्ट कर दे, दैट इज डिफाइंड एज टॉर्क। तो अगर आप इस कपल का मूवमेंट निकालते हो सो दैट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, वो आपको टॉर्क देगा दोस्तों। ठीक है, इसके छोटे छोटे एग्जांपल और छोटे छोटे डेफिनेशन थी जो आपको लिखनी पड़ेगी कि अब कपल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यार ये है कि आपका जो कपल है वो किसी पॉइंट पे भी लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट थी? सर ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास फोर्स ऐसे है, एक मेरे पास फोर्स ऐसे है, ये मेरे पास पॉइंट ओ है, तो मेरे पास ये एफ है, ये एफ है। ठीक है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। अगर मुझे निकालना है मूवमेंट एट पॉइंट ओ, बहुत बढ़िया, अगर मेरे पास पॉइंट है ओ, ये मेरे पास है फोर्स ए और ये मेरे पास फोर्स है बी, मुझे क्या निकालना है? मूवमेंट एट पॉइंट ओ। बहुत बढ़िया, अगर मेरे पास फोर्स है ए और मेरे पास फोर्स है बी, ठीक है, मुझे निकालना मूवमेंट एट पॉइंट ओ। इन तीनों ही केसों में आप चेक करोगे यार कि आपका जो मूवमेंट होगा एट पॉइंट ओ उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम। इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरी फोर्स की वैल्यू सेम है तो एक पॉइंट पर निकलने वाला मूवमेंट भी क्या होगा? सेम। तो लिखा हुआ यार, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज कांस्टेंट। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब तीनों केस में जो मूवमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कपल की। अगर आपका पेपर फ्रेम होता है तो इस प्रॉपर्टी से
से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं कि आपको एक सेट ऑफ एग्जांपल्स दे दिए, उसमें मेरे को मूवमेंट निकालना है, ठीक है, कपल फॉर्म हो रहा है आपका, ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, बढ़िया, शाबाश, बढ़िया, ठीक है। इसके बाद देखा था यार मैंने लोडिंग, ठीक है, लोडिंग इज बेसिकली सिमिलर टू यार कि अगर आपका कोई भी वेट है, ठीक है, वो किसी भी सपोर्ट या बीम पे पड़ा है तो कितना उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने देखा यार मेरे पास एक होता है कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड, मेरे पास होता है यूनिफॉर्म लोड, ठीक है, और मेरे पास होता है एक लोड होता है यार यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। तो इन तीनों केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था वो क्या था, ऐसा कौन सा लोड होता है जिसके एक्सट्रीम एंड पे जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप बोलोगे यार वेरिंग लोड पे क्या होता है, एक्सट्रीम एंड पे जो लोड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस वाई लोडिंग में क्या होता है, पूरी की पूरी बीम पे जो लोड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और पॉइंट लोड में क्या होता है, सारा का सारा लोड एक ही पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो तीन तरह के लोडिंग पढ़ने हैं और चार तरह के सपोर्ट पढ़ने हैं, सपोर्ट भी बहुत आसान है यार, ठीक है। सपोर्ट में हमें ध्यान रखना है यार कि उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसे कैसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यार मेरे पास एक रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं वर्टिकल और वर्टिकल रिएक्शन से, ठीक है। मेरे पास हिंज सपोर्ट है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से। मेरे पास फिक्स सपोर्ट है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और किसी पॉइंट का मूवमेंट, और सिंपल सपोर्ट तो यार सिंपल ही है, ठीक है, हमारे द्वारा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन कराया था मैंने यार, ठीक है, उसको भी ध्यान करना यार, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, एक मेरे पास हिंज जॉइंट है, एक मेरे पास रोलर सपोर्ट है, ठीक है, एक मेरे पास पॉइंट लोड है 5 न्यूटन का। यू हैव टू कैलकुलेट दी रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन निकालना था यहाँ पे, दैट इज आर ए, और आपको रिएक्शन निकालना था आर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप निकाल सकते हो कि हाउ द रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। इस छोटे से क्वेश्चन में क्या था यार, अगर आपका जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरा पॉइंट लोड सेंटर पे है, ठीक है, सेंटर लोड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी और यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू निकाली थी 5, इसकी वैल्यू क्या थी 5, ठीक है। तो ऐसे ध्यान देना, कभी भी अगर आपके पेपर में सवाल आए और आपका जो लोड था वो क्या था, बिल्कुल सेंटर पे हो, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ऐसी केस में करना, ये अगर लोड इसकी तरफ शिफ्ट होता चला जाए, ठीक है, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला चैप्टर था यार हमने पढ़ा था जिसका नाम था फ्रिक्शन, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी है ना जो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हो, ठीक है, ऑन दी वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी हो, ठीक है, उसको फ्रिक्शन में क्या ध्यान देना है, ठीक है। यार मस्त हम आराम से चल रहे हैं, अब चलते चलते हमारा पैर फिसल गया, तो पैर फिसलने की वजह से क्या हुआ, ठीक है, हमारी जो फोर्स थी उसमें क्या हुआ, इम्बेलेंस हुआ, ठीक है। सो व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू पुश एनी बॉडी, एन अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर बॉडी, उसका नाम क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन की छोटी सी डेफिनेशन थी वो क्या थी, द अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज ट्राइंग टू मूव इन द एनी डायरेक्शन, ठीक है। सो द रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज व्हेन इन कॉन्टेक्ट एंड दैट अपोजिट फोर्स ये क्या करेगा, इस बॉडी को रोकेगा, ठीक है। तो मेरे पास उस बॉडी का नाम क्या था, फ्रिक्शन था, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन में छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेते हैं यार, ठीक है। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा ब्लॉक है, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इफ दिस ब्लॉक एट रेस्ट, तो मेरे पास चार तरह की फोर्स लगती है, एक लगता है यार एम, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एक लगता है मेरे पास एम जी, जिसे कहते हैं वेट ऑफ द ब्लॉक, ये क्या है मेरा पुशिंग फोर्स जो मेरा बॉडी को पुश कर रहा है, और ये क्या है, फ्रिक्शन है। अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में हुई तो आप बोलोगे यार अगर मेरी बॉडी किस में हुई, अगर मेरी बॉडी हुई इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। सो इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, द फर्स्ट केस ऑफ फ्रिक्शन दैट वी हैव कंसीडर्ड इन आवर क्लासरूम दैट कि सर मेरा n इज इक्वल टू क्या हुआ, mg के बराबर होगा, मतलब जो मेरा n है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, और जो आपका पुशिंग फोर्स है वो किसके बराबर होगा, स्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। सो योर पुशिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है। थोड़ा और ब्रीफ में करेंगे यार, अगर मेरी बॉडी में किस में आएगी, मोशन में आएगी, ठीक है। ये छोटी बातें देखी थी यार, अगर मेरी बॉडी किस में हो, काइनेटिक फ्रिक्शन में हो, स्टैटिक फ्रिक्शन में हो। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन आप कहते हो यार फ्रिक्शन कैसा है, काइनेटिक। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट आप कहते हो कि फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक, ठीक है। इन दोनों केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यार, जो आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तीन बातें लिखवाई थी कि व्हेन देयर इज अ मोशन यू कैन से दैट द बॉडी इज इन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, दैट इज एफ ऑफ के इज इक्वल टू में म्यू के इनटू में एन, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब ये क्या होता है, अपने आप को चेंज नहीं करता, ठीक है।
अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो मेरी बॉडी किस पे रहेगी, मेरी बॉडी रहेगी रेस्ट पे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्त, इसकी वैल्यू होगी सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब जैसा आपका फोर्स है वैसी आपकी फ्रिक्शन होगी, ठीक है। अगर आपका फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 10, अगर लग रहा है 20 तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 20। इसका मतलब क्या है सर, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, एडजस्ट करेगी अपने आप को। इसका एक रेंज होता है, दैट इज 0 से लेके म्यू एस, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इनटू में एम, ठीक है। सो म्यू एस यहां से निकल के जैसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है यार, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक निकल के आता है यार, जैसे हम अभी देखेंगे डायग्राम में कि व्हाट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एस इनटू में एम। और एक ग्राफ देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ठीक है, इस वाले ग्राफ में, ठीक है, दिस कंप्लीट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन वी आर ऑन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज डिफाइंड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे आपकी बॉडी मोशन में फ्रिक्शन की वैल्यू कम हुई और आपकी बॉडी किस में आ गई, आपकी बॉडी आ गई काइनेटिक फ्रिक्शन में, ठीक है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स ऑल द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जितने भी टाइप के फ्रिक्शन है वो डायग्राम से निकल के आते हैं यार, मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा, मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होगा और मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा। अब सर लोगों को चेक करना है यार कि एक चेक लगाना है, ठीक है, जैसे हम चेक लगाते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है, वैसे मेरे को चेक लगाना है यार कि मेरी बॉडी मोशन में कब हुई, मेरी बॉडी रेस्ट पे कब हुई और मेरी बॉडी रेस्ट पे या मोशन में कैसे हुई। तो मैं इसका मैंने केस बताया था यार, ठीक है, कि जब आपका जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, व्हेन यूर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन आपका किसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी इससे, तो आप बोलोगे यार मेरा बॉडी किस में है, मेरी बॉडी किस में है, मोशन में है, ठीक है। अगर आपका जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, इफ यूर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन म्यू एस इनटू में एम, मतलब जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे कम है, आप बोलोगे यार मेरी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। और अगर मेरी बॉडी मोशन में है तो तीन बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो पता ही है, कि व्हेन द बॉडी इज इन मोशन फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर्मूला होगा फिक्स और इसकी वैल्यू होगी म्यू के इनटू में एन। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट आपको पता है फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होगी और इसकी वैल्यू जीरो से लेके म्यू एस इनटू में एन कुछ भी हो सकती है, तो क्या वैल्यू होगी जो बॉडी पर लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो ये दो बातें यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन में, ठीक है, आपने पता नहीं मतलब किसी ने जीवन भर पढ़ाई करी ना करी हो, ठीक है, वो ऐसे निकाल सकता है फ्रिक्शन, ठीक है। अब यार अगर मेरे को फ्रिक्शन निकालना आ गया, ठीक है, तो फ्रिक्शन के बाद क्या निकालते हैं, ठीक है, तो मैं यहां बताता हूं क्योंकि मेरे पास ये टेबल भी है। जब आप फ्रिक्शन निकालते हो तो पहली चीज क्या निकालते हो, पहली चीज निकालते हो फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, फ्रिक्शन चेक करेगा यार मेरी बॉडी रेस्ट पे है मोशन में, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन निकलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो फॉर्मूला लगेगा म्यू के इनटू में। मैक्सिमम आपके पेपर में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या निकलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम केस में आपकी बॉडी किस में होगी, मोशन में ही होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम केस, मतलब बहुत बार अगर 10 सवाल आया है ना तो 8 सवाल पूछता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब आपकी आपके पेपर में हमेशा मेरी बॉडी मोशन में रहेगी, ठीक है, बहुत ही लीनियंट चांसेस होते हैं कि मेरी बॉडी रेस्ट पे हो, ठीक है। मैक्सिमम केस में आपकी बॉडी किस में रहेगी, मोशन में रहेगी, निकालना आसान है, म्यू के इनटू में एन लगाना है, एन की वैल्यू क्या होगी, एमजी, ठीक है। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है यार, ठीक है, अगर मेरा ब्लॉक था ऐसे, ठीक है, तो यार ये मेरे पास क्या है, एमजी, तो आपने बोल दिया एन इज इक्वल टू में एमजी, एन इज इक्वल टू एमजी हमेशा नहीं होता, ठीक है, वो चेंज करता है, ठीक है। अभी तो क्या है, सिंपली ऐसा है, कल को फोर्स ऐसे लग जाए, ठीक है, कल को फोर्स ऐसे लग जाए तो आपकी एन की वैल्यू में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी याद मत करना यार कि n की वैल्यू mg होती है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना यार कि मेरे पास n क्या है और m क्या है, इसके बीच में कोई फोर्स तो नहीं लग रही, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस यू आर एबल टू गेट द फ्रिक्शन, ठीक है, क्या निकालना है यार आपको, आपको निकालना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जब आपका नेट फोर्स निकल गया फिर क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें निकालनी है, पेपर में क्वेश्चन भी आया था जिसमें बोला गया था यार कि फ्रिक्शन निकालो, नेट फोर्स निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालो कि बॉडी कितनी डिस्प्लेस कर रही है। अगर क्वेश्चन में और भी डेटा है तो यहां से मैं उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं, ठीक है। सो फ्रॉम देयर पॉइंट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, ठीक है, लेकिन डेटा होगा यार, ठीक है। ये कर्व क्या दिखा रहा है, ये कर्व दिखा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कर्व दिखा रहा है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन में एक छोटी सी बात है यार, फ्रिक्शन में मेरे पास एक टर्म है जिसे कहते हैं म्यू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज आ गया जल्दी से, है ना, लेकिन म्यू आपको पता है, और म्यू में एक छोटी सी बात है जिसे हम कहते हैं म्यू एस, ठीक है। तो म्यू यार मेरे दो तरह के होते हैं, एक होता है म्यू एस और एक होता है म्यू के, लेकिन सर मेरे पेपर में क्या आएगा, आपके पेपर में मैक्सिमम क्या होगा यार, म्यू ही होगा, ठीक है।
तो म्यू एस भी वही है, म्यू के भी वही है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो रहे यार आप लोग कभी भी कि यार सर ने तो म्यू एस ही पढ़ाया था, यहाँ तो सिर्फ म्यू दिया हुआ है। दोस्तों दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, मतलब ये तो माना गया है कि दोनों की वैल्यू थोड़ी आगे पीछे होती है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल केस की बात करूँ ना यार, ठीक है, तो ये वाला पता होना चाहिए कि जो म्यू एस है ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा म्यू के से। इसका मतलब म्यू एस बाय म्यू के मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी है क्लासरूम में और आपको पता भी होना चाहिए कि यार ऐसे चीजें होती हैं। बढ़िया, एंगल ऑफ रिपोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगल ऑफ रिपोज में आपको क्या ध्यान रखना है, जब हमने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा, एंगल ऑफ रिपोज से मैंने देखा यार कि मेरा पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? मेरे को पता चला कि सर टेन ऑफ अल्फा ये किसके बराबर हो गया, टेन ऑफ पाई के, ठीक है। इसके पहले मैंने पढ़ी थी एक चीज, कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कहता है कि सर टेन ऑफ फाई इज इक्वल टू में टेन ऑफ म्यू। बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या होता है सर, व्हेन द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, दिस कंसेप्ट एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर द कंसेप्ट व्हेन द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। ये दोनों कंसेप्ट कब देखने को मिलते हैं, जब मेरी बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो। तो मैंने बड़ी लंबी डेरिवेशन करी और एक अंत में रिजल्ट निकाला क्या सर, टेन अल्फा किसके बराबर हो गया, टेन फाई के। टेन फाई किसके बराबर होता है, टेन फाई बराबर होता है टेन टाइम्स ऑफ म्यू के। जहां से मैंने कहा क्या सर कि सर मेरा जो अल्फा है, मेरा जो म्यू है और मेरा जो फाई है, ये तीनों क्या है, बराबर, ठीक है। इसमें छोटी बहुत थोड़ा सा यार मेरे को लगता है थोड़ी बहुत चेंज है यार, अगर आप चेक करोगे ये शब्द ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना यार, ठीक है जी। बढ़िया, तो ये तीन रिलेशन यार आपको याद रखने हैं, ठीक है, और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको इसके अलावा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बोथ आर द एग्जांपल व्हेन द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। इसको मैंने डिराइव किया तो मैंने निकाला यार कि मेरा अल्फा और फाई बराबर होगा, ठीक है, और टेन फाई मेरे किसके बराबर होता है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टाइप्स ऑफ म्यू, ठीक है। टेन अल्फा, हाँ तो ठीक है, दोनों बराबर है ना फिर, तो मैं कह सकता हूँ टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू, ये भी ठीक है, ठीक है। बढ़िया जी, एक बार छोटी सी लास्ट बार बता देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि फिर ठीक है आप मिलो ना मिलो यार, ठीक है, मैं तो ये रहूंगा, है ना यार। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो यार ये मेरे पास थीटा है, तो यार मैंने कहा था यार कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। एक बार ध्यान से देखना यार, ये वाला आप सब में मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी यार दिल के तरह निकल बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये मेरे पास होगा यार एम जी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और ये मेरे पास डाउनवर्ड मोशन होगा जिसे हम कहते हैं एम जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। इसका एफ बी डी बनाना है, एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस ये जो मेरे पास टिल्ट शेप है इसको सीधा लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया यार, मेरे पास आ गया एम जी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ये आ गया दोस्तों मेरे पास एन, ये आ गया मेरे पास फ्रिक्शन, और ये आ गया मेरे पास एम जी टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे निकल के आता है कि आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो आपका जो फ्रिक्शन है एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, अगर आपका बॉडी मोशन में है तो यहाँ से सारी चीजें डिवाइड होती है, ठीक है। तो इसमें आता है केस वन, व्हेन द बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम जी कॉस थीटा। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, और मतलब अभी मेरी बॉडी रेस्ट पे ही है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, एम जी साइन थीटा। बट अगर मेरी बॉडी किसमें आ गई, फ्रिक्शन, मतलब अब मेरी बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ से क्या निकालता हूँ मैं, एफ की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, एफ की वैल्यू निकालता हूँ मैं म्यू टाइम्स ऑफ एन, वेयर एन इज इक्वल टू में क्या होता है यार, एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी टाइम्स ऑफ कॉस टाइम्स ऑफ थीटा। ये कब निकालता हूँ मैं, व्हेन द बॉडी इज इन काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर आपका एफ के आ गया, क्या आ गया दोस्तों एफ के, तो क्या निकालते थे आप यहाँ से, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा दोस्त, यहाँ से कितनी फोर्स लग रही है और यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो कैसे निकालते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस में एफ ऑफ के, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, इसको थोड़ा और इम्फेसाइज कर रहा हूँ इस टॉपिक को, ठीक है। काइंडली रिमेम्बर दिस टॉपिक यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना। बढ़िया,
यार मेरे पास एक टॉपिक जिसका नाम था लैडर फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है यार, ये मेरे पास एक मस्त बंदा है, ठीक है, मस्त चढ़ रहा है आराम से, ठीक है। इससे मेरे को निकालना था यार लैडर फ्रिक्शन में यार कि मेरे पास क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो विशेष ध्यान देना यार आप लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये मेरे पास लैडर फ्रिक्शन है। यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं, एक कंपोनेंट है नीचे की तरफ लग रहा है, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रिजोल्व किया था यार, ये मेरे पास क्या लग रहा है, लैडर फ्रिक्शन। मेरा जो वेट होगा वो क्या होगा, वेट इज ऑलवेज कंसंट्रेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ब्लॉक, बहुत बढ़िया। ये अगर मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा, बहुत बढ़िया। थीटा यहाँ भी सकता है, थीटा यहाँ भी कहीं भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट पे, तो एक रिएक्शन लगता है इस पॉइंट पे जिसे हम कहते हैं आर ए। अगर वो इस पॉइंट पे, तो रिएक्शन लगता है आर बी, ठीक है। ड्यू टू अनबैलेंस या फिर कुछ मिसमैच हो गया तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी होगी कि मेरी बॉडी मूव करे, ठीक है। तो फ्रिक्शन का लगता है यार, ठीक है, फ्रिक्शन लगता है मेरा यहाँ की तरफ और फ्रिक्शन लगता है मेरा, ठीक है, इसकी तरफ, ठीक है। तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो इस तरफ मूव कर जाए, ठीक है। अगर मेरा मूवमेंट यहाँ हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स दी वॉल। ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, जिसे कहते हैं एफ पी। तो पहला जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो क्या बनता है, अगर मेरे पास कोई सरफेस स्मूथ हो जाए उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है यार कि मुझे क्या निकालना है, मुझे इस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, मेरे को इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, मेरे को रिएक्शन निकालना है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे यार, पहला जो आपको सर्वप्रथम पता है क्या सर, कि मुझे पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो पहले हमने इस पूरे स्टेटमेंट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर दिया। दूसरा क्या किया मैंने, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू में जीरो, सभी फोर्सेस का एफ आई क्या कर दिया, जीरो। थर्ड क्या कर दिया दोस्तों, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू में जीरो। ये तीन चीजें निकाली और यहां से मैंने छोटे 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 छोटे, छोटे रिलेशन बिल्ड करे जिससे मैं डब्ल्यू निकाल सकता हूँ, थीटा निकाल सकता हूँ, रिएक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पेपर में कभी भी यार न्यूमेरिकल नहीं आएगा लैडर फ्रिक्शन में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना, इन केस इफ दे आस्क देन यू कैन सॉल्व दैट। चलिए बढ़िया, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपको आते ही है ना, उसको बताने की क्या ही जरूरत। एक यार छोटी सी बात बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है, कि अगर मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा आता हूँ कि मेरी बॉडी किस में यार, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। वैसे दो केस निकलते हैं यार, एक निकलता है यार ये मेरे पास बॉडी है, ये मेरे पास बॉडी का प्लेन है, ये मेरे पास फोर्स लग रहा है, कैसे, ऐसे, इसे कहते हैं पी। तो क्या होगी पी की वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बताई थी पी इज इक्वल टू में डब्ल्यू टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ थीटा माइन प्लस में फाइव ओवर में कॉस टाइम्स ऑफ फाइव, ठीक है। ये तब था जब मेरी बॉडी कहाँ जा रही है, मेरी बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मेरी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये मेरे पास ब्लॉक है, मेरा जो मोशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, और फोर्स कहाँ लगा रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो अब भी ऊपर की तरफ। तो इस पी की वैल्यू क्या होती है, पी इज डब्ल्यू टाइम्स ऑफ साइन ओवर में थीटा माइनस में फाइव ओवर में कॉस फाइव, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें केस नंबर टू था सेम, है ना, कि मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में दोस्तों, ठीक है। आपने फोर्स कैसे लगाई, ये मेरे पास ब्लॉक है, आपने फोर्स लगाई ऐसे, ठीक है, बताओ पी की वैल्यू क्या होगी। तो पी इज डिफाइंड एज डब्ल्यू ओवर में टेन टाइम्स ऑफ थीटा प्लस में फाइव, ठीक है। अगर मेरी बॉडी ऐसे ही है, फोर्स भी कैसे लगा रहे हो यार, फोर्स भी लगा रहे हो ऐसे, लेकिन अब मेरी बॉडी कहाँ ट्रेवल कर रही है, मेरी बॉडी ट्रेवल कर रही है नीचे की तरफ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो हमने देखा था यार P is defined as W over में 10 times of theta minus में 5। जो बच्चा यार बाहर के लिए दे रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईपीओ लीड में फिर भी ना पूछा जाए अगर इन केस, लेकिन जो विद्यार्थी बाहर के लीड दे रहा है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया यार, बहुत बढ़िया। यार फिर देखा था यार मैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक टेबल है यार, ये सारी के सारी मैं बताया था आपको कि इसमें यार वो टॉपिक नहीं लाया मैं, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। तीन लॉ ऑफ मोशन आपको पता ही है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, बॉडी अगर मोशन में तो मोशन पे रहेगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि अगर मेरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। अगर मेरी बॉडी का मोमेंटम रेट एक रेट से चेंज कर रहा है तो उस बॉडी पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक
ठीक है जी, बढ़िया। तो मेरे पास तीन लॉ थे जो आप लोगों ने देख लिए। यार तब अच्छा होता ना जब मेरे पास रिकॉर्डिंग होती। इसके बाद देखना था यार मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है। पेपर में लास्ट टाइम भी सवाल आए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के, जो कहता है कि मेरी जो मोमेंटम होगी वो कभी कंजर्वड होगी। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को लास्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें कहा था कि यार मेरी दो बॉल आपस में कोलाइड करती है, सेम मास की है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने बोला था कि सर अगर मेरे पास दो मास के ब्लॉक हैं, सेम मास की हैं, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया था, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है। वी स्टेट दैट द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्वड, ठीक है जी। इसके बेस पे दो मेरे पास रिलेशन निकलते हैं, जिसे कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है, और प्रोपल्शन ऑफ द जेट प्लेन, ठीक है। तो रिकॉइल ऑफ द गन हमने देखा था, फटाफट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यार ये था मेरे पास रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। इस केस में रिकॉइल ऑफ द गन में क्या था मेरे पास, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द गन व्हेनेवर द बुलेट इज फायर्ड, दैट इज डिफाइंड एज रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा और मैंने एक रिलेशन निकाला इसके बीच में, कि मैंने देखा यार कि जो मेरे पास रिकॉइल वेलोसिटी होती है जिसे कहते हैं वीजी, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एमजी की, ठीक है। तो हमने जब इसको पूरे के पूरे को पढ़ लिया आराम से अच्छे से, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यार VG is inversely proportional to 1 upon में MG। इसका मतलब क्या है सर, कि जो मेरे पास recoil velocity है, इसको आप बड़ा जी मान लो, gun की velocity मान लो, ये किसके proportional है, ये inversely proportional है mass of the gun पे। मतलब अगर मैं gun का mass बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरी recoil velocity कम होती चली जाएगी, अगर मैं गन का मास कम करते चला जाऊंगा तो मेरी रिकॉइल वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो क्रक्स जो था वो ये था रिकॉइल ऑफ द गन से, कि आपका जो वीजी है रिकॉइल वेलोसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द गन के, ठीक है। यार लोग आप लोग इंपल्स देख ही चुके हो, ठीक है। Impulse is defined as a force acting on the body for short duration of time, ठीक है? इससे मैंने एक छोटी चीज निकाली थी, क्या निकाली थी सर, इंपल्स का मतलब क्या होता है यार, इंपल्स मैंने निकाल लिया a force acting on the body for short duration of time, ठीक है। लेकिन यहां से मैंने निकाला सबसे इंपॉर्टेंट सर, impulse is defined as change in momentum, ठीक है। यहां से मैंने क्या फाइंड कर दिया कि सर इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, मतलब अगर आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो बॉडी पे क्या लगेगा, एक इंपल्स लगेगा। तो फिर मैंने क्वेश्चन कराया था कि मान लो एक लड़की के हाथ में 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इनिशियली जो बॉल है वो किस पे है, रेस्ट पे, तो यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। उसने उस बॉल को फेंका किस वेलोसिटी से, उसने बॉल को फेंका 20 meters per second से, तो बताओ उस बॉल पे कितना इंपल्स लगा, ठीक है। तो आप बॉल को कैसे निकालेंगे यार, दैट इज एम ओवर में वी माइनस में यू, ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखा यार मैंने, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें क्या था यार, मेरे पास क्या था, एक ऐसी बॉल आ रही थी, ठीक है, एक वेलोसिटी से जिसका नाम था वी, और वो इस वेलोसिटी जा रही थी जिसका नाम था वी, तो दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही है, सेम वेलोसिटी से जा रही है, और ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा, ठीक है। आपको बताना था यार कि इस केस में भी क्या होगा, इंपल्स कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, ये बहुत आसान था, इंपल्स निकालने के लिए पहले इसको रिजॉल्व कर दो, दैट इज क्या होगा, वी कॉस थीटा, ये अगर यहां जा रहा है तो ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, माइनस में वी कॉस थीटा। आपको क्या निकालना है, इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यहां से आया 2 times of mv times of cos theta, ठीक है जी, बढ़िया। तो जब भी आपको निकालने के लिए कहे इंपल्स, तो ऑलवेज रिमेंबर इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले से सवाल करने के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, बढ़िया। मेरे पास लिफ्ट है यार, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज डिफाइंड एज जी प्लस में ए, ठीक है। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जी माइनस में ए। ये आपको बहुत बार पता चला है, बहुत बार बता रखा है, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर लिफ्ट से कोई भी क्वेश्चन आया तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक्टिव रहना, है ना, बढ़िया। चलो मेरे पास एक ही स्लाइड है, उस स्लाइड में क्या करना है, ठीक है, उस स्लाइड में बताना है मेरे को वर्टिकल मोशन, ठीक है। आप लोगों ने छोटी सी बात पढ़ी जिसका नाम है वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा था यार, वर्टिकल मोशन पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
वर्टिकल मोशन में क्या पढ़ा था यार, वर्टिकल मोशन में पढ़ा था यार कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, इसको मैं ट्रैवल करा रहा हूँ, तो बताओ इसकी टाइम क्या होगा, वुड इट थोड़ी टाइम टेकन, बहुत बढ़िया, और इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो बहुत आइट्रेशन के बाद मैंने निकाला टी इज इक्वल टू में क्या होगा, टू यू बाई जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन में यार ये दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2u / g, एंड हाइट कैसे निकालते हैं, u स्क्वायर / 2g, ठीक है। सेम अगर आप लिफ्ट पढ़ रहे हो तो यार ये मेरे पास दो पुली थी, ये मेरे पास था m1 और ये मेरे पास क्या था m2, मेरे पास दो ब्लॉक थे, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपने क्या मार्क कर दिया, t, और क्या मार्क कर दिया, t। टेंशन कैसे निकालते हैं यार, टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, दैट इज 2g ओवर में M1 into में M2 upon में M1 plus में M2, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस केस में आपको निकालना क्या है, अगर आपको टेंशन निकालना है तो, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, M2 minus में M1, जो बड़ा वाला मास है उसमें छोटा वाला मास माइनस कर दो, G से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों मास को ऐड कर दो, ठीक है। हमने देखा था यार एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास, तो नेट फोर्स क्या होगी दोस्तों, M2 minus में M1 into में G upon में total mass M1 plus में M2. So that's how you are able to calculate the value of acceleration and that's how you are able to calculate tension. ठीक है, मुझे नहीं लगता कि लॉ ऑफ मोशन में इसके अलावा भी कुछ छोटा है ना, अगर कुछ छोटा है तो बता दो आप लोग, ठीक है। कुछ भी यार दिक्कत है तो बताना, अगर आपको लगता है कि सर ये चीज भी इंपॉर्टेंट है स्कूल चैप्टर में, वही बता दो, वही बता देंगे, ठीक है जी, बढ़िया। अगर था यार मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है तीन नोट्स और तीन फॉर्मूले में, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यार, कि मेरी जो एक्स के अलोंग की वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, द पाथ इज पैराबोलिक, बहुत बढ़िया। दो तरह के मोशन होंगे, एक होगा एक्स के अलोंग, एक होगा वाई के अलोंग। निकालना क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला क्या होता है टी, क्या निकालना है रेंज, फॉर्मूला क्या होता है रेंज, क्या निकालना है हाइट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मेरे पास तीन फॉर्मूले थे, t इज इक्वल टू में 2u sin थीटा बाय g, मेरे पास हाइट का फॉर्मूला था h इज इक्वल टू में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, मेरे पास रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर sin टाइम्स ऑफ 2 थीटा बाय g, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए पूरे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। पहला नोट क्या था यार, पहला नोट नंबर वन था, ठीक है, कि जो मेरी रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू में 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम, जब थीटा 45 होगा तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नोट टू जो आपके पेपर में आया है वो क्या आया सर, कि मेरे पास एक रेंज ये है और एक रेंज ऐसे है, तो अगर ये थीटा है और ये क्या है 90 माइनस में थीटा, ठीक है। सो इफ वी हैव टू रेंजेस, ठीक है, इफ वी हैव प्रोजेक्टाइल थीटा एंड 90 माइनस में थीटा, ठीक है, विद सेम यू, मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है सेम है और आपका जो पॉइंट है वो क्या है सेम है, तो आपको पता है रेंज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो आपका जो रेंज है वो क्या आएगा, सेम आएगा। और थर्ड जो नोट सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि आपका जो रेंज है और हाइट है अगर ये बराबर हो जाए, ठीक है। सो इफ नोट नंबर थ्री क्या सर, अगर रेंज और हाइट क्या हो जाए बराबर हो जाए तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार। इसके अलावा यार जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो कुछ बातें थी जो ध्यान देनी थी, क्या सर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कैसे निकालते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, इससे क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या है यार, क्या होता है मेरे पास, यू ऑफ एक्स टी प्लस में हाफ टाइम ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि अगर मेरी बॉडी एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रही है तो ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, s of x की वैल्यू क्या आएगी, u of x into में t। तो कभी कभार आपको आता है x is equal to में 3t, इसका मतलब क्या है दोस्त, आपकी जो u of x की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, एक क्वेश्चन करा था हमने। अगर आपकी वैल्यू है s of y तो क्या आया, u of y t plus में half times of a of y t square। मुझे पता है अगर मेरी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो a of y की वैल्यू क्या होगी, माइनस में g, तो क्या होगा, u of y t माइनस में 1 by 2 g t square। तो एक इक्वेशन आती है y is equal to में 4t minus में 1 by 2 9.8 t square, ठीक है।
तो देखो कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यू ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यू ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4. अगर आपको यू ऑफ एक्स पता है, यू ऑफ वाई पता है, तो आप इनिशियल लॉग निकाल सकते हो. दैट इज यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. ठीक है जी, ऐसे आप थीटा भी कर सकते हो. इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बाद देखा मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो क्या कहता है, दैट इज वाई इज इक्वल टू में, वाई इज इक्वल टू में ए ऑफ एक्स माइनस में बी एक्स स्क्वायर. इसमें यार ए की वैल्यू क्या होती है 10 थीटा, और बी की वैल्यू होती है 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूँ, इसमें ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू होती है 10 थीटा, और बी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/2 जी ओवर में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दोस्तों इतना करके जाना प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. ठीक है, ये मैं लिख के देता हूँ, अभी भी कुछ बाहर का आएगा तो वो अलग चैप्टर से आएगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन से इसके बाहर कुछ नहीं आता. ठीक है, बढ़िया, क्योंकि समय हो रहा है तो हम थोड़ा तेज करते हैं अब, है ना. बढ़िया जी, ठीक है. इसके बाद यार मेरे पास कुछ चैप्टर थे, ठीक है, इसका नाम था सेंट्रोइड पॉइंट. ठीक है, सेंट्रोइड इज अ पॉइंट वेयर इंटायर बॉडी का वेट, बॉडी का एरिया, बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंट्रोइड के मेरे पास चार प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है, हर बॉडी के अपना सीजी होगा. बहुत बढ़िया, जो सीजी होगा वो कभी भी पोजिशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा शेप पे, बॉडी की शेप कैसी है. ठीक है, तो अगर बॉडी की शेप चेंज होगी तो बॉडी का सीजी चेंज होगा. रेक्टेंगल का सीजी अलग, ट्रायंगल का सीजी अलग, सर्कल का सीजी अलग. सो इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, नॉट पोजिशन ऑफ द बॉडी. सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे लाई इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी. आप लोग अभी बहुत सारे टेस्ट दे रहे हो, बहुत सारे असाइनमेंट दे रहे हो, उससे मैंने क्वेश्चन देखा, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये बना हुआ है ऐसे, इस सर्कल में छोटा सर्कल और काटा हुआ है ऐसे. ठीक है, तो इस बड़े सर्कल में छोटा सर्कल मैंने काट दिया. ठीक है, पूछा सेंट्रोइड पॉइंट कहां लाइक करेगा, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर. ठीक है, तो जितना पोर्शन आप कट करते हुए जा रहे हो उतना सेंट्रोइड पॉइंट शिफ्ट होता चला जाएगा. ठीक है, जैसे अगर ये ना होता तो सेंट्रोइड पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर लाइक करता, इनसाइड द बॉडी. अब मैंने हिस्सा काट लिया है तो सेंट्रोइड पॉइंट बॉडी के अंदर तो लाइक करेगा, लेकिन अब यहां लाइक नहीं करेगा. इट मे बी पॉसिबल कि सेंट्रोइड पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाए. ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट हो जाए. ठीक है, तो सेंट्रोइड पॉइंट डिपेंड करता है यार कि कितना पार्ट आप बॉडी से निकाल रहे हो. ठीक है, अगर आपकी बॉडी का कम्बिनेशन ऑफ वेट ये है, आपने छोटा सा पार्ट निकाल लिया तो सेंट्रोइड पॉइंट भी चेंज होगा. ठीक है जी, बढ़िया, चार प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना. ठीक है, कुछ फिगर है उसका सेंट्रोइड पॉइंट पता होना चाहिए आपको. ठीक है, बी बाई टू एच बाई टू, बी बाई थ्री एच बाई थ्री, सॉरी बी बाई टू एच बाई थ्री. ठीक है, इसका होता है आर आर, फोर आर बाई थ्री पाई, फोर आर बाई थ्री पाई. ठीक है, बहुत बढ़िया, फोर आर बाई थ्री पाई, फोर आर बाई थ्री पाई. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद आता है यार सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ कंपोजिट फिगर्स, फॉर्मूला होता है यार एक्स बार होता है मेरे पास ए एक्स वन प्लस में ए एक्स टू अपॉन में ए वन प्लस में ए टू. ठीक है, y बार कैसे निकालते हैं, y बार निकालते हैं a1 इनटू में y1 प्लस में a2 इनटू में y2 ओवर में a1 प्लस में a2. ठीक है जी, बढ़िया, ऐसे निकालते हैं पक्का. यहाँ पे y और यहाँ पे x तो नहीं होता ना, देख लो. ठीक है भाई, हम कह दिया तो भाई करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर मेरी बॉडी सिमेट्रिकल है, ठीक है, जैसे ये था मेरे पास, इफ दिस शेप इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई, एक्स बार क्या निकाल दो यार, ये पूरी क्या थी 10 थी, 2 से भाग कर दो. ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा आपके पास एक्स बार. ठीक है, अगर आपके पास शेप जो है वो सिमेट्रिकल है वाई एक्स के लॉन्ग, इफ दिस शेप इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स के लॉन्ग सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो क्या कर दो, जो पूरी हाइट है जिसे कहते हैं 12, इसको 2 से भाग कर दो तो क्या आएगा आपके पास वाई बार. ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो अगर आपकी शेप सिमेट्रिकल है. तो शेप इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, x बार सीधा जाएगा. इफ द शेप इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, y बार सीधा जाएगा. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द सेंट्रोइड पॉइंट. ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो अब मेरे काम को आसान करने के लिए कुछ चीजें आ गई हैं. ठीक है, ये थे यार मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया. ठीक है, तो मैंने एक सुंदर सुंदर भाषा में लिख रखा है. ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास या फिर एरिया स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मेरे पास एक सेंट्रोइड पॉइंट होगा जो आप लोगों ने पढ़ लिया। इस बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट निकालना x से, वो आपने निकाल लिया। इस बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट निकालना है y से, वो आपने निकाल लिया, ठीक है। दो डायमेंशन की बॉडी है तो निकालेंगे एरिया, थ्री डायमेंशन की बॉडी तो क्या निकालेंगे मास, ठीक है। I of x की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू में y स्क्वायर। I of y की वैल्यू होगी मास इनटू में x स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक टर्म आता है जिसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ये सारे इसकी यूनिट और वो थे जो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज दिस परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। इस परपेंडिकुलर लेंथ को मैं क्या कहता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन कहता हूँ। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्वांटिटी कैसे होती है, स्केलर होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड एज ए इनटू में के स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लेके चला गया तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई, दिस के इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। वो कहाँ का ही होता है वो मैंने बता दिया। रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इनर्शिया अलोंग एक्स, रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग वाई, इनर्शिया अलोंग वाई। सिंपल है, ठीक है जी। बढ़िया जी, शाबाश, ठीक है। फिर मेरे पास आया मॉडुलस ऑफ सेक्शन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, को आपको निकालना है। और जो मेरे पास हाइट है दैट इज एच बाई टू, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, y अपॉन में b by 2, ठीक है। यूनिट क्या होती है, दैट इज kg इनटू में मीटर, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था यार थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरी बॉडी परपेंडिकुलर है किसी भी बॉडी के, तो मैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे को निकालूं, ठीक है। तो ये मैंने दिया हुआ है, बढ़िया। खाली आ रही तो सॉरी, ठीक है। तो मेरे पास क्या था यार, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, ठीक है। इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत बढ़िया है ना। तो मेरे पास क्या आया, इससे मेरे पास क्या निकल के आया, इससे मेरे पास ये निकल के आया कि सर अगर मेरी तीन एक्सिस है, बॉडी मेरी यहाँ रखी है एक्स वाई जेड, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन जेड। सो आई जेड मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ आई एक्स प्लस में आई वाई, एंड दैट इज डिफाइंड एज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है दोस्तों। बढ़िया, इसमें तीन कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी एक प्लेन पे होनी चाहिए, बॉडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो अननोन एक्सिस, बहुत बढ़िया, और तीनों एक्सिस आपस में होने चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तीन जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक थोड़ी बहुत डेरिवेशन थी जो मैंने कर दी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो क्या कहता है यार कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसके मेरे पैरेलल में एक्सिस है, ये मेरे पास है आई सी, ये मेरे पास है आई, ये मेरे पास डिस्टेंस है ए, तो व्हाट इज ए, ए इज डिफाइंड एज आई सी प्लस में एम टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। कभी कभार तो यही पूछता है पेपर में कि बताओ ये ठीक है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट है सही है कि नहीं, ठीक है। आई की वैल्यू ये होगी जो अननोन है, आई सी की वैल्यू जो सेंटर से पास हो रही है एम ए स्क्वायर। इसमें क्या ध्यान रखना है यार कि दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए, एक सेंटर से पास होनी चाहिए, और उनके बीच की जो दूरी है ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे जो आप लोग कर चुके हो, ठीक है। ट्रायंगल का निकाला, रेक्टेंगल का निकाला, मल्टीपल का मैंने क्या निकाल दिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया पैरेलल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सेम मेरे पास एक क्वेश्चन आया रॉड के अलोंग, ठीक है। तो मेरे पास ये रॉड है, ये मेरे पास है एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, जहां मर्जी निकालो, क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है जी। बढ़िया, सेम इसके छोटा सा भाई है जिसका नाम होता है, हाँ यार, सॉलिड शेप्स। दोस्तों यार इसको ध्यान रखना, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5, थिन स्फीयर का होता है 2/3, रॉड का होता है 1/12 एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है एम आर स्क्वायर, और इसका होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट निकल के आता है यार कि अगर इसको मैंने इस सिलेंडर से मैंने डिस्क निकाल ली, डिस्क क्या होता है यार, डिस्क क्या होता है बेसिकली, इस सिलेंडर का मैंने ये वाला पार्ट काट लिया तो क्या बन गया, डिस्क। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, 1/2 एम आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर को मैंने काट दिया नंबर ऑफ पीस में, तो क्या बन गया, रिंग। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका हॉलो सिलेंडर है और जो आपका रिंग है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, जो आपका सॉलिड सिलेंडर है, जो आपका डिस्क है उसका एमआई क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है जी।
बढ़िया सर, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर से अपने जिसे हम कहते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ठीक है, उसको थोड़ा और आसान कर दिया है क्योंकि उसको मैं लिख के लिया हूँ सारे वो ही नोट्स जो हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया। तो यार ये मेरे पास सिंपल लिफ्टिंग मशीन के थोड़े से एग्जांपल हैं, ठीक है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन एक ऐसी मशीन जो कुछ भी लोड लिफ्ट को लोड करने के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान मत दो यार, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार वो है ये, ठीक है, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखा ही नहीं था, ठीक है, ठीक है जी, बढ़िया। तो देखो यार मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज डिफाइंड है रेशो डब्ल्यू बाई पी, वी आर इज डिफाइंड बाय द रेशो वाई बाई एक्स, इफिशियंसी डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। यहाँ से मैंने चार चीजें निकाल ली, ठीक है। एक छोटी सी बात की यार, ठीक है, एक क्वेश्चन था मेरे पास कि मैं पहले क्राई करता था, ठीक है, डब्ल्यू बाई पी, चलो छोड़ो, ये दो कंपेरिजन है आइडियल मशीन एक्चुअल मशीन की। अगर मेरा सिंपल लिफ्टिंग मशीन कोई भी क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों तो पूछेगा यार कि आइडियल मशीन क्या होती है, सो वो मशीन इसमें कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। अगर कोई भी लॉस नहीं होगा तो आपकी जो एमए होगी और वीआर होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। और अगर मेरी जो एक्चुअल मशीन है उसमें क्या होगा, उसकी जो इफिशियंसी होगी 100% नहीं होगी, आपकी जो मशीन होगी वो दोनों के बराबर नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखा मैंने व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन्स आर दोज मशीन व्हिच कैन डू वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन, इररिवर्सिबल मशीन्स आर द मशीन जो रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करती। रिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी होती है 50 से ज्यादा, इररिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी होती है 50 से कम, ठीक है। इसके बाद देखा मैं लॉ ऑफ मशीन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, आपका एफर्ट कितना लग रहा है और आपका लोड कितना लग रहा है, ठीक है, उन दोनों का जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड एज लॉ ऑफ मशीन, ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है, ये था मेरे पास यार लॉ मशीन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसकी इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से बनती है, P इज इक्वल टू में MW प्लस में C। मेरे पास क्या है, P इज द एफर्ट, W इज द लोड, और ये मेरे पास क्या है, M इज द स्लोप। जितना आप एफर्ट बढ़ाते चले जाओगे तो जितना आपका एफर्ट बढ़ेगा उतना आप लोड लिफ्ट कर पाओ किसी भी मशीन को, ठीक है। सो हायर द एफर्ट हायर द लोड यू कैन लिफ्ट। द सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस वन C, ये जो मेरे पास इंटरसेप्ट निकलता है ना इसे हम कहते हैं दिस इंटरसेप्ट, ये क्या है, दिस इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं उसे हम कहते हैं दिस वन फोर्स, ठीक है जी, बढ़िया। सर ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंपल व्हील एक्सल, इसका वीआर होगा डी बाई डी, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आया, फिर मेरे पास आया सिंपल व्हील एक्सल डी डी, तो वही कर दिया मैंने, डी बाई डी आ गया, सॉरी कराया नहीं था मैंने, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वॉम एंड वॉम व्हील, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा, कितना, एक पिच का, तो क्या आया 2πL 2πR एंड 1/T, ठीक है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया इसने तो क्या गया 2πL, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया इसने तो क्या आया 2πR, और फिर ये एक पिच एक टिथ आगे हो गया तो 1/T, ठीक है जी, बढ़िया, ठीक है। ये सिंपल स्क्रू जैक है, ठीक है, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है तो क्या होता है इसका, और ये मेरे पास कुछ ना कुछ वेट है, ठीक है जी, मेरे पास पुली है, ठीक है। लास्ट टाइम यार एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, उसमें था कि पुली जो थी वो चार थी, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा यार, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में होता है यार 2 की पावर में n, सेकंड में होता है n, और थर्ड में होता है 2 की पावर में n-1। तो सबसे इंपॉर्टेंट था यार वो क्या था कि मेरे पास अगर n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो पूछा अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की पुली है, ठीक है, सो इफ यू हैव फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पुली सो व्हाट इज अ VR, तो आप बोलोगे VR की वैल्यू क्या है 2 की पावर में, ठीक है, 4, इसकी वैल्यू क्या है 16, ठीक है, ये दिखा हुआ था यार, ठीक, ठीक है, लेकिन उसको स्पेसिफाई करना चाहिए था ना कि आपकी n की वैल्यू जो है ये मूवेबल है या फिक्स्ड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 2 की पावर में n होता है ना उसमें n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है n इज दी मूवेबल पुली। अगर उसने n की वैल्यू 4 दी है तो यार एक पुली तो मेरी फिक्स होगी और जो मूव करेगी वो कितनी करेगी, 3 करेगी, ठीक है। तो आंसर मस्ट बी 2 की पावर में 3, लेकिन फिर भी उन्होंने
तो जो था मार्क था वो 16 था, उसको एक बार चेक करना है दोस्तों आप लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें एक पुली जो होती है वो फिक्स होती है, बाकी सारी क्या होती है मूव करती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी। उसका आंसर 8 होगा ना फिर? यार 8 ही होना चाहिए है ना, लेकिन अब 16 मार्क कर रखा है तो एक बार चेक करना, मैं भी एक बार चेक करूंगा कि 16 क्यों है। लेकिन अगर यार उसने कहा कि मेरे पास चार पुली है, तो अगर चार पुली है तो उसमें क्या होगा, एक तो फिक्स ही होगा, ठीक है, इस चार में क्या होगा, एक फिक्स होगी दोस्तों, एक फिक्स है, मूव कितनी करेगी, मूव करेगी 3, तो 3 क्या हो गई, मूवेबल हो गई, ठीक है, तो क्या होगा यार 2 की पावर में 3, दैट इज 8, ठीक है, 8 मस्ट बी राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, लेकिन 16 था तो एक बार चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है यार, कुछ किसी को भी कुछ भी पूछ रहा है तो पूछ सकते हो यार एक बार, बढ़िया। तो यार सारे के सारे पॉइंट देखना, ठीक है, अभी भी यार कुछ बच्चे कह रहे हैं यार कि ना मेरे को इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स दे दो यार, ठीक है, तो काइंडली यार आपके जो भी बैच के बच्चे हैं ना उनसे एक बार कहो, ठीक है, एक बार निकता, एक बार सर को कह देना, सर कह देना रिकॉर्डिंग सर, सर दो तीन क्वेश्चन भेजे थे कल। हाँ जी कुछ बताओ सर, 2-3 क्वेश्चन भेजे थे कल। क्या कह रहे हो सर? क्वेश्चन भेजे थे आपको 2-3। अच्छा कुछ क्वेश्चन भेजे थे यार आपने, ठीक है,